रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत बालाई इलाकों में पेट्रोल बहरान का खदशा। इंतजामिया ने मुजाकरात नाकाम होने पर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने तेल की सप्लाई रोक दी। पेट्रोल पंप के पास सिर्फ दो दिन का स्टॉक रह गया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पर बरस पड़े, बोले दुनिया में सस्ता तरीन तेल था लेकिन पाकिस्तान महरूम रहा। हुकूमत ने चार गुना महंगी LNG खरीदी। हुकूमत की नाअहली के बायस पेट्रोल का बहरान आया। PSO को 8 अरब का नुकसान हुआ। वजीर आजम ने सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराने का ऐलान कर दिया। कहते हैं डायलॉग की बात की तो अपोजिशन ने NRO मांग लिया। NRO किसी सूरत नहीं दूंगा। हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, चाहे तो आज भी उनसे बड़ा जलसा कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने पूरी काबीना को जाहिल करार दे दिया। कहते हैं सेनेट इलेक्शन खुफिया वोटिंग से ही हो सकता है, सदारती ऑर्डिनेंस से तरीकाकार तब्दील नहीं हो सकता। लाहौर जलसे से उनका सर चकरा गया है, ये आइन से मुतसादिम गुफ्तगू कर रहे हैं। हम नहीं चाहते अवाम और इदारे आमने सामने आए। सेनेट इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सेनेटर रजा रबानी का हुकूमत को पैगाम, बोले आयन के तहत इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। आर्टिकल 224 बताता है कि इलेक्शन कब होंगे। मौजूदा सेनेटर्स की मुद्दत 11 मार्च को खत्म। अपोजिशन सेनेट में माहौल गर्माने के लिए तैयार। सेनेट इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दी। रिक्वेजिशन पर 34 अपोजिशन अरकान सेनेट के दस्तखत मौजूद। बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने का इशारा दे दिया। कहते हैं इमरान खान को 31 जनवरी तक इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा ना आया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाएंगे। इस्तीफे की धमकी फुलझड़ी है। वज़ीर दाखला शेख रशीद का ओपोजिशन पर तंजियावार, बोले ओपोजिशन चाहती है तो शौक से इस्लामाबाद आए। उम्मीद है शहबाज शरीफ से बिलावल को अच्छा मशवरा दिया होगा। 31 जनवरी तक इस्तीफा ना आया तो हमारे इस्तीफे आएंगे, राणा सनाउल्ला का शेख रशीद को जवाब। कहते हैं लॉन्ग मार्च जरूर होगा। नून लीग का हर कारकुन नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा है। PDM की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम। FIA एंटी करप्शन विंग की तहकीकात शुरू। कोटलखपत जेल में पूछताछ होगी। FIA ने IG जेल खान अजाब को खत लिख दिया। अब्दुल रजाक दाऊद, इशरत हुसैन, शहजाद अरबाब और नदीम बाबर काबीना कमेटियों से फारिग। मुशीर तिजारत अब्दुल रजाक दाऊद अब ECC और CPAC कमेटी के मेंबर भी नहीं रहे। वजीर आजम ने मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कीलें नौ कर दी। हफीज शेख काबीना निष्कारी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ नैब में तहकीकात। मौलाना के करीबी साथी अब्दुल रऊफ जलालुद्दीन और दीन मोहम्मद नैब पेशावर में पेश, बयान कलमबंद किए गए। अफगानिस्तान में जंगबंदी के लिए एक और कोशिश। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में अफगान तालिबान का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर खाजा में शाह महमूद कुरैशी से मुजाकरात। अफगान मुफाहमती अमल पर पेशरफ का जायजा। वजीर खाजा ने कहा कि हम चाहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। हुकूमत के 50 अरब हमारे पास अमानत है। जिला हॉस्पिटल में रोजाना 200 ऑपरेशन होते हैं। 100 बिस्तर का मुसाफिर खाना बन रहा है। लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिला हॉस्पिटल गौहर एजाज के फिरदोस आशिक अवान के हमला न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुआवने खुसूसी चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की शुक्रगुजार। इस्लामाबाद चिड़ियाघर के रीछ सूजी और बबलू उड़न जाने के लिए तैयार। दोनों रीछों को रात 3 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुंतकिल किया जाएगा। सूजी और बबलू पाकिस्तान से कतर फिर उड़न जाएंगे। दोनों को उड़न के सेंचुरी में रखा जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऑकलैंड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। कप्तान शादाब खान की भी फिजिकल ट्रेनिंग और नेट प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 18 दिसंबर को पहले T20 में आमने सामने होंगे। गुलुकार राहत फतेह अली खान FPR के रडार पर। गुलुकार के खुफिया बैंक अकाउंट्स का सुराग मिल गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर FPR में इनकम टैक्स ऑडिट की कार्रवाई दोबारा शुरू। राहत फतेह अली खान ने जवाब के लिए मजीद मोहलत मांग ली। और फिल्म हीर राजा की हीर अदाकारा फिरदोस बेगम 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। ब्रेन हैमरेज होने पर लाहौर के निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज थीं। फानूस मलंगी समेत 170 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। लाहौर की फिरदोस मार्केट का नाम भी फिरदोस बेगम के नाम पर रखा गया। दुनिया मुसव्वरी में रंगों के उस्ताद गुलजी। आलमी शोहरत याफ्ता मुसव्वर को बिछड़े 13 बरस बीत गए। इस्लामी खताती और पोर्ट्रेट पेंटिंग्स में कमाल हासिल था।